वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्मागुण की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, इस सूत्र की स्थापना करवाई थी। इसके साथ साथ मैंने आपको बलागुण के सूत्र के आधार पर द्विध्रुवागुण की परिभाषा भी बताई थी, राइट। तो यहाँ तक हम सभी का क्लियर है। इसके बाद अब हमारे सामने एक प्रश्न है, सवाल दिया है, और उस सवाल में मुझसे ये कह रहा है कि दो आवेश हैं, क्लियर, एक प्लस का 2 माइक्रो कूलाम और दूसरा माइनस का 2 माइक्रो कूलाम। ये मैंने यहां पर दो आवेश बनाए हैं, ठीक है जी, एक प्लस का 2 माइक्रो कूलाम और दूसरा माइनस का 2 माइक्रो कूलाम। ये आवेशों के मान है। आवेश को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। तो ये 2 माइक्रो कूलाम के आवेश दिए हुए हैं। सीन क्लियर है? चूंकि दोनों आवेश बराबर है और विपरीत प्रकृति के हैं, इसका मतलब ये क्या है, विद्युत ध्रुव है ना। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर कह रहा है। अब आप मुझे बताओ ये काय का मान है? 2L का मान है। काय का मान है? 2L। द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2L से प्रदर्शित करते थे, तो ये उन्होंने हमको कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे वो बोल रहा है इस विद्युत ध्रुव को 5×10³³ न्यूटन प्रति कूलाम वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो बताओ ये काय का मान है? ई का। काय का मान है ये? ई का। यानी वो पट्टा मुझसे ये कह रहा है कि ये जो विद्युत ध्रुव है ना, उसे मैंने काय में रखा है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। क्लियर है? इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 5×10³ न्यूटन प्रति कूलाम। तो उसने मुझसे बोला है कि इस विद्युत ध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बलागुण, बलागुण नहीं, अधिकतम बलागुण की गणना करनी है। अधिकतम बलागुण बोले तो टाउ मैक्सिमम हो गया, बोलो भैया, है ना। अब आप बताओ अधिकतम बलागुण है तो क्या वाकई में विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा है या ऐसे रखा है? ऐसे रखा है या लंबवत रखा है? लंबवत रखा है, क्योंकि लंबवत रखा होता तभी तो अधिकतम बलागुण रखता, बोलो भैया, समझ पा रहे? क्योंकि उसने अधिकतम बलागुण पूछा है, तो इसका मतलब हमें विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में कैसे रखना पड़ेगा? लंबवत। यानी नजारा कुछ ऐसा होगा, विद्युत ध्रुव ऐसे रखा होगा, बोलो भैया। तो बच्चा चमका दो, बलागुण का सूत्र क्या होता है? अधिकतम बलागुण लगाना है तो पीई लिख दूं, या तो डायरेक्ट पीई लिख दो, नहीं है तो आप तो आदत डालो मेन सूत्र याद रखने की, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अधिकतम निकालना है तो थीटा की जगह क्या चिपका देंगे? 90। थीटा की जगह 90 आ जाएगा, सही बोल रहा हूँ ना, चमका दो, अब क्या खत्म कहानी। पीई साइन 90 तो एक होता है, तो केवल पीई लिख दो। अब भैया ई तो है मेरे पास, पी है क्या? नहीं है। तो मुझे पी, मुझे मालूम है पी क्या होता है, द्विध्रुवागुण होता है। पी का सूत्र क्या है? क्यू इंटू 2L। तो क्यू इंटू 2L इंटू ई बैसो की बैसो। क्यू कितना है? 2 माइक्रो कूलाम। अब भैया मैं नहीं बताऊंगा, अब आप पढ़े लिखे लोग हो, 2 माइक्रो कितना होता है सब पता चुका हूं। तो माइक्रो की जगह मैंने चमका दिया यहाँ पे 10^-6, ठीक है, इसको भी जरा निपटा लो। 3 सेंटीमीटर है, सेंटी को हटाऊंगा तो डेसी सेंटी मिली, याद है ना, सेंटी की जगह क्या चमका दूं? 10^-2। सीन क्लियर है सभी को? तो चलो हो जाओ शुरू। क्यू की जगह क्या लिख दो बताओ आप? 2×10^-6। 2L कितना है? 3×10^-2। क्लियर? इंटू ई कितना है अपने पास? 5×10^। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? गौर से देखिएगा आप सब लोग थोड़ा सा, है ना, 10^-6 और 10^-2 कितनी हो गई? 10^-8 और 10^3, 10^-5। तो जी, तो मैंने 10^-5 बढ़िया जी सजाए रही है यहाँ पे, ठीक है जी, बच्चों है 3 कर रहा हूं मैं, 5×2=10। बोलो भैया स्टेप समझ में आ रहे हैं? 10^ कुछ नहीं है तो 1, तो 3×, आधार समान है तो घात है, तो बताओ -5 और 1 है -4। बलागुण निकाला है, मात्रक क्या लिख दो? न्यूटन मीटर। क्लियर है? मेरे
को पूरा सवाल समझ में आ गया, लेकिन कमबख्त मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये न्यूटन मीटर कैसे आ गया? हाँ, बला गुण है तो न्यूटन मीटर आएगा क्यों है? रखा है तो रखा है, ठीक है, तो न्यूटन मीटर क्यों आया? कौन बोल रहा है ये समझ नहीं पा रहा। हाँ वेरी गुड, बलागुण का सूत्र होता है बल, तो बल का हो गया न्यूटन, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो दूरी है तो मीटर में नपेगी, इसलिए मीटर। समझ गए? कोई भाई बहन अगर हमारा भूल जाता है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे मुझे याद ही ना आ रहा। अच्छा वैसे एक चीज के हजारों मात्रक हो सकते हैं, इसके और भी मात्रक हो सकते हैं, राइट, और जो हमको फटाफट जल्दी क्लिक करता है वो अपन लिख देते हैं, राइट, सही बोल रहा हूँ ना। अब आप चाहें बाई चांस आप भूल गए, अपन भूलने के बाद शाह अपने को याद नहीं रहता कुछ भी, कोई बात नहीं। आप जब मान रखो ना, क्यू का मान 2×10⁻⁶, लेकिन कूलाम भी तो है बगल से, लिख दो। जैसे कोई अगर मान के चलो ऐसे उसे नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, 2×10⁻⁶ कूलाम इधर लिख दो साइड में, ठीक है। फिर आपने 2L का मान रखा 3×10⁻² आगे मीटर भी तो है, मीटर। समझ में आ रही है बात सभी को? फिर और क्या बचा अपना, ई का मान आपने रखा 5×10³ आगे क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम ते कूलाम, कुल्ला कट जाएंगे, क्लियर है बच्चों का आगो, न्यूटन मीटर नहीं है, मेरी बात समझ, सीन क्लियर है, कर लें नहीं कर लें, कर लें उतार लो फटाफट, फिर आगे ही बात करूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? क्या विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं भैया, विद्युत फ्लक्स से हम लोग क्या समझते हैं। यहां से ये मान लेना एक नई कहानी शुरू हो रही है ना, जिसका पुरानी कहानियों से भी कनेक्शन है, तो थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना, राइट। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करें तो जैसे कोई विद्युत क्षेत्र है ना, और विद्युत क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ रखा हुआ है, तो किसी भी पृष्ठ से लंबवत दिशा में जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उसे हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोला मैंने? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे अक्षर फाई से प्रदर्शित करते हैं। आप ऐसे समझने की कोशिश करें, जैसे ये कोई तल है, सतह है, पृष्ठ है, दिख रहा है आपको? ये पृष्ठ बोर्ड पे ऐसे दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, राइट। और इस पृष्ठ से लंबवत दिशा में ये जो निकल रही है, ये क्या निकल रही है? विद्युत बल रेखाएं। क्या निकल रही है? विद्युत बल रेखाएं। समझ पा रहे हैं? क्लियर। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे अक्षर फाई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या सूत्र होता है इसका? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र है, राइट। इसको थोड़ा और देखते हैं हम लोग जरा ध्यान से। यहां पर इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, भीष्म पितामह, नाम सुना है? रामायण में थे या महाभारत में थे? महाभारत में थे, मतलब देखिए आपने, है ना? तो महाभारत में थे, तो भीष्म पितामह के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमारे सामने भीष्म पितामह का एक चित्र उभर के आता है कि भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पे लेटे हैं। बोलो भैया, बाणों की सैया है उनका बिछैया। बोलो भैया, ये सर रो, तो ये बाणों की सैया हो गई और ये भीष्म पितामह जी हो गए, राइट। भीष्म पितामह जी यहां पर काम कर रहे हैं एक पृष्ठ का, एक सतह का। बोलो भैया, ये क्या है? तीर है ना, ये कलयुग के भीष्म पितामह है, तो यहां पर तीर की बजाय करंट है, यानी विद्युत बल रेखाएं हैं। क्या है ये? विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत है, और मैंने सुना है जहां विद्युत बल रेखाएं होती है वहां विद्युत क्षेत्र होता है, राइट। यानी यहां पर ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को
विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर, मैं फिर से बोल रहा हूं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे अक्षर फाई से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्लियर है, ये जो सूत्र है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये जो सूत्र है वो भीष्म पितामह के पूरे शरीर से पास होने वाला विद्युत फ्लक्स है। क्लियर, को अगर मुझे यो पूछे कि भीष्म पितामह की मुंडी में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, विद्युत फ्लक्स निकालो, केवल मुंडी मुंडी में थे, पूरे शरीर में थे नहीं, पूरे शरीर के एक छोटे से हिस्से से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालो, तो इसी सूत्र को हम लोग लिख देते हैं डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्या लिख देते हैं, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, यानी किसी भी पृष्ठ के किसी भी सतह के पूरी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम सूत्र ये लगाते हैं, और अगर पूरे का नहीं निकालना, केवल एक छोटे से हिस्से से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है तो फिर हम लगाते हैं डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर, इससे पहले कि मैं आपको आगे की रामायण शुरू करूं और विद्युत फ्लक्स की कहानी शुरू करूं, आप लोगों से जानना चाहता हूं अवकलन और समाकलन आते हैं है? क्योंकि बगैर अवकलन समाकलन के हम फिजिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते, समझ पा रहे हैं? अब आगे की कहानी आ चुकी है, घड़ी घड़ी अवकलन करना पड़ेगा, घड़ी घड़ी आ गया ये अवकलन है, ये डी फाई, मैंने ये डी लगा दिया, इसका तो अवकलन की शुरुआत हो गई है, समझ रहे हैं? अब ये कथा मिचमिची सी आंख अंते देखत रहोगे तो कछु नहीं होगा, समझ गए मेरी बात को? क्लियर है, अब आपको अवकलन समाकलन आना जरूरी हो गया है, आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर है, कोई दिक्कत? फिलहाल विद्युत फ्लक्स की परिभाषा समझ गए आप लोग? हाँ, अब बेटा इस बात को समझ लें कि यहाँ से अब आपको अवकलन और समाकलन आना बहुत ज़रूरी है, अवकलन समाकलन नहीं आएंगे तो हमारा खेल खराब हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल मैं आपको यहीं ड्रॉप कर रहा हूँ। किसी ने पूछा विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे अक्षर फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। सेम क्लियर है, हम लोग अब अवकलन और समाकलन ये पढ़ेंगे पहले। अवकलन और समाकलन समझने का मतलब ये है कि अगले 3 दिन हमारे कम से कम जाएंगे, समझ पा रहे हैं? लेकिन यकीन मानिएगा अगर आपको अवकलन और समाकलन आ गए तो समझ लेना आधी से ज़्यादा फिजिक्स आपकी वैसे ही निबड़ जाएगी, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी अवकलन और समाकलन का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर है, तो क्या हम सीखना चाहेंगे? तुम सीखना चाहो चाहे नहीं चाहो, मुझे तो सिखाना है, समझ पा रहे हैं? क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अच्छे से देखना सब लोग, बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, अगले वीडियो से हम लोग अवकलन और समाकलन देखेंगे, बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, थैंक यू एवरीवन।